बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आज हम बनाने जा रहे हैं स्पेशल चटपटी मसालेदार स्टूडेंट बिरयानी। तो चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। करेंगे फ्लेम ऑन करेंगे, हाफ कप घी शामिल करेंगे, आप ऑयल भी ले सकते हैं। इसे गर्म होने देंगे। घी गर्म हो चुका है, इसमें 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और उसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। लहसुन फ्राई हो चुका है, जिसमें आप 1/2 किलो चिकन शामिल करेंगे, मैंने धोकर रख ली थी इसको। एक बड़े साइज का आलू लिया था, इसे दरमियाना कट करके ये शामिल कर देंगे और इसको 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। 1 से 2 मिनट हल्का सा फ्राई कर लेंगे। आलू फ्राई हो चुके, हम इसमें एक बड़े साइज का टमाटर बारीक स्लाइस करके डाल देंगे। ये 1/2 कप प्याज है तली हुई, ये मार्केट की तली हुई प्याज है, मैं जल्द से जल्द होम मेड तली हुई प्याज उसकी वीडियो भी अपलोड करूँगा। ये आधी शामिल कर देंगे 1/2 कप से और आधी हम चावलों के ऊपर बिछाएंगे, तो इसे आधी कर देंगे 1/2 कप से। 1/2 कप है तो आधी हम इसमें शामिल कर देंगे। 1/2 पाव दही शामिल कर देंगे। 1/2 गड्डी पुदीना, 1/2 गड्डी हरा धनिया, इसे मैंने काट कर बारीक धो लिया था, ये शामिल कर देंगे। मसालों में मैंने लिया है 4 खाने के चम्मच पिसे मिर्च, 4 खाने के चम्मच पिसा धनिया, 1 बड़ा तेजपात, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून नमक, 2 बादियान के फूल, 1/2 टीस्पून जायफल जावित्री पिसी हुई, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और ये 1 टीस्पून पिसी सौंफ, 1/2 टीस्पून पिसा गरम मसाला और ये 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून साबुत गरम मसाला, ये सब शामिल कर देंगे और ये 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, इन सबको शामिल कर देंगे। और होममेड बिरयानी मसाले की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप वहाँ से देखकर बिरयानी का मसाला बना सकते हैं। अब इन सारे मसालों को हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से और इनको भून लेंगे। जब तक के मसाले हमारे अच्छे से भुन जाए, कि अच्छे से भुनाई कर लेंगे, 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। भुनाई कर लेंगे अच्छे से, मिक्स कर लिए जब तक के ऑयल ऊपर नहीं आ जाता, मसाला हमारा भुन नहीं जाता। मेरे पास आलू बुखारे नहीं थे, अगर आपके पास हो तो आप 4 से 6 अदद शामिल कर दीजिएगा। देखिए मसाला हमारा भुन चुका है, हम इसमें पानी शामिल करेंगे थोड़ा सा, तकरीबन 1/2 से 1 कप जितना, ज़्यादा पानी शामिल नहीं करना है, क्योंकि चिकन अपना पानी खुद रिलीज करता है। मिक्स कर लेंगे इसको, अब इसे कवर करके तकरीबन 20 मिनट के लिए दरमियानी आंच पर पकने देंगे, जब तक कि चिकन और आलू हमारे गल ना जाए। 20 मिनट हो चुके हैं, हम इसे खोल कर देखेंगे, चेक कर लेंगे कि चिकन और आलू हमारे गल गए हैं। अगर नहीं गला है तो मज़ीद 10 या 5 मिनट के लिए और इसे रख देंगे हम। तो देखिए आलू भी हमारे गल चुके हैं, चिकन भी हमारा अच्छे से टेंडर हो चुका है। तो मैंने पानी इसमें बहुत ही कम शामिल किया था, अगर पानी ज़्यादा हो तो आप आँच तेज़ करके पानी को ड्राई कर लीजिएगा। तो देखिए ये रेडी हो चुकी है, यखनी हमारी बिरयानी की रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून तकरीबन 1/2 टीस्पून जितना ऑरेंज फूड कलर डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे इसको। अच्छे
से मिक्स कर लीजिएगा। और जब 5 मिनट गलने में रह गए तो इसमें तो मैंने हरी मिर्चें भी शामिल कर दी थी, ये देखें जो कट करके रखी थी मैंने हरी मिर्चें भी यखनी में शामिल कर दी थी। तो जब 5 मिनट रह जाए गलने में चिकन और आलू के साथ हरी मिर्चें भी शामिल कर दीजिएगा। अगर हम पहले से ऐड करेंगे तो मिर्चें बहुत ज़्यादा गल जाएंगी और बहुत ज़्यादा मिर्चें बिरयानी में हो जाएगी, तो 10 से 5 मिनट पहले डालें। अब ये जो आधी प्याज हमने बचा कर रखी थी थोड़ी सी इसमें हम यखनी के ऊपर इस तरह डाल देंगे और थोड़ी सी हम गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे। आधा किलो सेलर राइस लिए थे मैंने, इसे धोकर अच्छे से 1 घंटे के लिए भिगो दिया था, फिर और पानी बॉईल करके 3 खाने के चम्मच नमक डालकर इसे बॉईल कर लिया था, फुली कुक कर लेंगे। तो ये मैंने बॉईल कर लिए चावल, आप चाहे तो बासमती भी ले सकते हैं, मैंने सेलर राइस लिए हैं। तो ये सारे चावल हम यखनी के ऊपर बिछा देंगे। चावल हमने बिछा दिए, हम इसमें 2 टेबल स्पून केवड़ा वाटर शामिल करेंगे, आप केवड़ा एसेंस भी शामिल कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून लेमन जूस अगर आपके पास हो तो डालिएगा, वरना ये ऑप्शनल है, ये डाल देंगे। जो प्याज बचा कर रखी थी इसे हम ऊपर इस तरह से डाल देंगे। कलर का यूज़ हमने नहीं करना है ऊपर से चावलों में, क्योंकि ऑलरेडी कलर यखनी में मिक्स कर दिया है। तो हम इसे कवर कर देंगे और तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए या 20 मिनट तक के लिए दम पर लगा देंगे इसे, दरमियानी आंच पर, बिल्कुल दम वाली आंच। 15 मिनट हो चुके हैं, हम इसे खोल कर देखेंगे। तो देखिए इसका दम लग चुका है, बिरयानी हमारी रेडी हो चुकी है। मैं साइड से इसको दिखाता हूँ आपको, ये देखें रेडी हो चुकी है, ये देख सकते हैं आप। फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे साइड से इस तरह से मिक्स कर लें। अब मैं इसे आपको सर्व करके दिखाता हूँ, इसका लुक देखें, माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त हमारी बिरयानी बनकर तैयार हुई है। हमारी गर्मा गर्म सी मसालेदार चटपटी बिरयानी बन करके तैयार है, आप देखें इसका लुक, ये सेम बिल्कुल जैसे देगी बिरयानी बनती है उसी स्टाइल से बनाई है। और आप जब भी कलर का यूज़ करें देगी बिरयानी में, इसी तरह कलर का यूज़ किया जाता है, यखनी में शामिल कर देते हैं, तो आप इसी तरह से बनाएं। जब भी देगी बिरयानी बनाएं, मसालेदार चटपटी देगी बिरयानी बन करके तैयार है, आप देखें, आप इसे सलाद के साथ खाएं, रायते के साथ खाएं, बहुत ज़बरदस्त लगती है। इसका लुक देखें, एक ही दाना खिला खिला है बिरयानी का, और ये बहुत ही स्पाइसी चटपटी मसालेदार बिरयानी है। और जब आप इसे निकालें तो मिक्स करके निकालें, ये देखें ज़बरदस्त बनी है हमारी बिरयानी। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, वीडियो को फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर भी किया करें। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, अल्लाह हाफिज़।